और हिंदुस्तान के इतने सारे कवियों ने अपने गांधी जी के प्रति जो अभिव्यक्ति की है, जो अपनी फीलिंग्स जाहिर की है, वो हम नहीं जानते हैं। 30 जनवरी या 2 अक्टूबर को रेडियो और टेलीविजन पे कुछ गिने चुने गाने हर साल, हर भजन, हर गाना हर साल हम सुनते हैं जिसमें कोई नवीनता नहीं होती है। तो मुझे ये लगा कि ये चीजें छिपी पड़ी है तो उसको बाहर लाना चाहिए, आखिर वो गांधी जी का मैसेज ही दे रही है। इसलिए मैंने इस कविताओं को चुना। कविताओं का रेसाइटेशन या छपवा के बांटना ये मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि आज किसी के पास टाइम नहीं है। और अगर कविताएं हैं तो मुझे वो स्कूल के दिनों की याद आई। टीचर कहा करती थी अगर इसको गा के याद करोगे तो जल्दी याद होगा, तो मैंने सोचा इन कविताओं को म्यूजिक में ढाला जाए और लोगों को सुनाया जाए, तो लोग कहीं भी घूमते घामते फिरते चलते दौड़ते इसको सुन पाएंगे। ये ध्यान में रखकर मैंने इन कविताओं को संगीतबद्ध करके पुनः जनता को समर्पित करना चाहा। दूसरा, इतने बड़े नाम थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, रायप्रभु सुब्बाराव, श्री श्री सुब्रमण्यम भारती, रविन्द्रनाथ टागोर, मस्ती वेंकटेश अय्यर, सबने गांधी के ऊपर लिखा है, लेकिन उनकी कुछ जो गांधी के ऊपर लिखी रचनाएं हैं उसको लोग जानते नहीं हैं। तो हम ये लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं।